हेलो एवरी वन माई सेल्फ मिसेज बिंदा वेलकम टू ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट टूडे आई वुड लाइक टू टीच यू द राइज ऑफ ए स्मॉल किंगडम स्टेट्स ईयर सिक्स हंड्रेड फिफ्टी टू ट्वेल्व हंड्रेड एटी के बच्चों राइस का मतलब होता है उभरना उगना ऑफ ए स्मॉल किंगडम स्टेट यानी कि सिक्स हंड्रेड फिफ्टी टू 1280 हंड्रेड एडी के बीच में छोटे छोटे किंगडम स्टेट्स जो थे वो उभर रहे थे और उन्हीं के बारे में हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे किंग हर्षवर्धन आर डाइड इन द ईयर सिक्स हंड्रेड सेवन के राजा हर्षवर्धन थे जिनका की मौत सिक्स हंड्रेड सेवन में हो गया था उनके मौत के बाद आफ्टर दैट फॉर द नेक्स्ट सिक्स हंड्रेड ईयर्स दे वर नो लार्ज एम्पायर इन इंडिया और अगले छः सौ वर्ष तक कोई भी बहुत बड़ा एम्पायर भारत में नहीं आया द कंट्री वॉज डिवाइडेड इन टू मीनी इस्मॉल किंगडम्स और जो भारत के राज्य थे स्टेट थे वे छोटे छोटे किंगडम्स में बट गए थे वट डेड दिस हैपन यह क्यों हुआ फ्रॉम वेयर डेड दिस स्मॉल किंगडम्स अराइज और ये छोटे छोटे किंगडम्स कहाँ से उभरे हु वर द फेमस किंग्स ऑफ द टाइम और उस समय फेमस राजा कौन हुए हाउ डिड दे मैनेज टू मैंटेन ल लार्ज आर्मीज टू प्रोटेक्ट देअर किंगडम और वे अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे बड़े बड़े आर्मीज बनाए एंड कैंक्वेर मोर टेरीटोरीज और वे अधिक से अधिक टेरीटोरीज़ को जीते वॉट वेंट ऑन इन दियर रॉयल कोर्ट और रॉयल uh, कोर्ट में क्या हुआ वी शैल लर्न अबाउट दीज थिंग्स इन दिस लेसन और इन सारे चीजों के बारे में हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे हाउ न्यू किंग्स एंटीनेस्टीज वर्क वर डे नए राजा और डिनेशिज कैसे बने मैनी किंग्स यूज टू इंस्क्राइब दियर ऑर्डर्स एंड एडेट्स ऑन रॉक्स एंड कॉपर प्लेट्स बहुत से राजा अपने ऑर्डर और आदेश पत्र को रॉक और कॉपर प्लेट पर लिखवाया करते थे पोएट्स एंड बर्ड्स ऑल्सो रॉट सॉन्ग्स ऑफ प्रेज टू दियर किंग्स इन दिस वे और इसी तरीके से ये पोएट्स और बर्ड्स जो होते थे राजा के प्रशंसा में गाना लिखा करते थे कि वी कम टू नो मोर अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दोज टाइम बाय रीडिंग व्हाट इज रिटेन ऑन दिस रॉक्स एंड कॉपर प्लेट और इसी तरह से कॉपर कॉपर और रॉक्स पर लिखे हुए के चीज़ों को हम लोग पढ़कर अपने इतिहास के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं द इंस्क्रिप्शन एंड कॉपीज ऑफ द नियर बाय रॉक्स एंड कॉपर प्लेट सोच दैट देयर वर मेनी पावरफुल किंग रूल्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया अराउंड द ईयर सिक्स हंड्रेड फिफ्टी एटी के 650 एडी के आसपास हमारे भारत देश में अलग अलग क्षेत्रों में बहुत से पावरफुल शक्तिशाली राजा रोल्ड किया करते थे और इनके बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वह हमें कॉपर प्लेट और रॉक्स पर लिखे हुए शिलालेखों के द्वारा प्राप्त होती है हु गॉड विक्ट्री ओवर देयर सराउंडिंग एरियाज और वे आस पास के एरियाज पर विजय प्राप्त करते थे एंड इंक्लूडेड इनटू टू दियर एम्पायर्स और उन आ, पड़ोसी राज्य को अपने अंपायर में मिला लिया करते थे देश रूल रूलर्स वर कॉन्स्टेंटली एट वॉर विथ ईच टू एक्सटेंड देयर अंपायर और वे विजय कैसे प्राप्त करते थे वे जो राजा होते थे वे वार में विश्वास करते थे यानी युद्ध में विश्वास करते थे और वे दूसरे राज्यों पर अटैक करते थे लड़ाई करते थे और उन एरियाज को जीतकर अपने एरिया में मिला लिया करते थे बट द डिस ऑफ दिस पावरफुल किंग वर वीक एंड इनकैपेबल रूलर्स और कुछ राज्यों के राजा कमज़ोर हुआ करते थे या फिर रूल करने में सक्षम नहीं हुआ करते थे उन एरियाज को भी पावरफुल किंग uh, अपने राज्य में मिला लिया करते थे वंस दे कनकुट मोर टेरीटोरी के और इसी तरह से बहुत से टेरीटरी को अपने अधीन में अपने अपने अंडर में कर लिया करते थे दे अपॉइंटेड देयर आर्मीज जनरल एंड सीनियर ऑफिसर टू गवर्न दिस न्यू रीजन्स एंड एस्टेब्लिश देयर अथॉरिटी ओवर दे में और इस तरह से जो अपना साम्राज्य को बढ़ाते थे उन नए क्षेत्र में नए नए आर्मीज और सीनियर्स को सीनियर ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता था जिससे कि उन एरियाज पर गवर्न किया जा सके शासन किया जा सके और उस पर उन राजाओं का अधिकार हो मेनी ऑफ द गवर्नर्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देर अथॉरिटी और बहुत सारे ऐसे राजा होते थे जो इनके गवर्नर को इनके शासन करने के तरीके को एक्सेप्ट नहीं करते थे रिजेक्ट कर देते थे एग्जाम्पल के लिए इन फॉर एग्जाम्पल इन ए स्टेट ऑफ वेस्टर्न इंडिया देयर वॉज रूल ऑफ़ द राष्ट्रकूटाजिनेस्टी हु ऑफिसर्स ऑफ द चालू किया किंग्स वेस्टर्न इंडिया में राष्ट्रकूट डिनेस्टी के जो चालुक्य राजा थे उन्होंने दूसरे राजा के अधीन में रहना मना कर दिए ये एक एग्जाम्पल है बट द राष्ट्रकूट वी केम सो स्ट्रॉग दैट दे डिक्लेयर देम सेल्फ एज किंग्स इन द एथ सेंचुरी एंड बिगेन रूलिंग इंडिपेंडेंटली और राष्ट्रकूट जो थे वे अपने आप को बहुत पावरफुल मानते थे और स्वयं को वे आठवीं शताब्दी में अपने आप को राजा घोषित कर दिए और स्वतंत्रता पूर्वक शासन करने लगे समटाइम्स वॉरियर अ स्ट्रांग वॉरियर वुड टेक द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स टू अटैक वीक ट्राइबल्स एंड स्टैम्प हिज अथॉरिटी ओवर देम कभी कभी जो महान योद्धा हुआ करते थे जो पावरफुल योद्धा होते थे वे अपने दोस्त के सहयोग से कमजोर ट्राइबल्स पर अटैक करते थे और उनको अपने अधीन कर लेते थे कि और बाद में लेटर ही वुड इन्वाइट ब्राह्मी मर्चेंट्स पेंजेंट फ्रॉम अदर प्लेसेस टू तो सेटल इन द एरिया ही हैड कंक्रेट एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ किंग और बाद, बाद में वे दूसरे प्लेसेस के ब्राह्मण मर्चेंट यानी व्यापार और किसान फेंजेंट यानी फार्मर्स किसान को इनवाइट करते थे भोजन पे और भोजन पर इनवाइट करके वो जो राजा होते थे वे ये डिक्लेयर करते थे कि वे वहाँ के राजा हैं ए स्टोन इंस्क्रिप्शन फाउंड एट घाटियाला नियर जोधपुर इन राजस्थान गेव्स वन सच एग्जांपल और इस तरह का एग्जाम्पल है हमें पता चलता है राजस्थान में जोधपुर के पास में एक घटियाला शिलालेख प्राप्त होता है और उसमें इस तरह का वर्णन मिलता है इट सेज दैट द प्रतिहार एस्टेब्लिश दियर रूल इन द रीजन इन दिस वे और इसी तरीके से प्रत्यार भी अपना रूल एस्टेब्लिश किए थे इन छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में कल्चुरी बिकेम रूलर ऑफ द त्रिपुरी किंगडम नियर जबलपुर इन ए सिमिलर मैनर इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में जबलपुर के पास में त्रिपुरी किंगडम जो था इसी तरह से यानी कि जो हम लोगों ने यहाँ वर्णन किया उसके तरीके से अपना साम्राज्य स्थापित किए देयर वर मोर वेज बिकम किंग एंड किंगडम लाइक और इसी तरह से बहुत से राज्य एस्टेब्लिश किए और वहाँ उस राज्य में राजा अपना रूलिंग करते थे सम फैमिलीज वुड सेटल इन एन एरियाज एक्वायर ए लॉट ऑफ लैंड फॉर फार्मिंग और कुछ परिवार जो था आ, किसी एरियाज में बड़े एरियाज में सेटल हो जाता और वहाँ के बहुत बड़ा एरिया को अपने अंडर में कर लेता और उसका उपयोग फार्मिंग करने के लिए यानी एग्रीकल्चर करने के लिए करते थे खेती करने के लिए दे देग वेल्स पाउंड्स एंड बावरडेज टू इरीगेट द लैंड टू गेट ए गुड क्रॉप्स है वे क्या वेल्स पाउंड ये सब कंस्ट्रक्ट करते थे यानी वेल यानी कुआँ तालाब वगैरह बनाते थे किस लिए बनाते थे अच्छे क्रॉप के उत्पादन के लिए यानी कि क्रॉप उत्पादन के लिए इरीगेशन करना पड़ता है यानी कि पानी देना पड़ता है और पानी कहाँ से आएगा पाउंड से ही आएगा वेल्स से आएगा तो इस तरह से उनका क्रॉप अच्छा होता था एज देयर हार्वेस्ट इंक्रीज और इस तरह से उनका जो फसल होता था वो काफ़ी अधिक होता था दिस फैमिली इज़ वुड बिकम वेल्दी एंड पावरफुल और यह जो फैमिली होता था वह बहुत समृद्धशाली होता था और पावरफुल होता था देअर ग्रैंडियोर वुड इनक्रीज एंड अदर पीपल वुड टेक देअर हेल्प एंड एडवाइस और उनका शान और बढ़ जाता था और लोग उन उनसे सहायता लेते और सलाह लिया करते थे द पीपल वुड पे ऑब टू देम एंड लिसन टू व्हाट एवर दे पे डेम लोग जो थे उन वो जो भी कुछ भी कहते उसको बड़ा श्रद्धा के साथ सुना करते हैं टू एस्टेब्लिस्ड दियर सुप्योरिटी एंड ऑथोरिटी दिस फैमिली उल पीपल दे वर ए डिस फ्रॉम ए लिनेश ऑफ गॉड्स एंड रिसेज वह जो फैमिली होती थी वह अपना सुपोरिटी और पावर को दिखाने के लिए अधिकार को दिखाने के लिए वे वे अपने आप को गॉड और रिसेज के वंशावली के वंशज के रूप में अपने आप को बताते थे जिससे कि उनको पावरफुल लोग और अधिक पावरफुल माने द पाला डिनेस्टी ऑफ बंगाल बंगाल के जो पाला डिनेस्टी थी और ए, कल्चुरी ऑफ द सेंट्रल इंडिया सेंट्रल इंडिया के कल्चुरी डिनेस्टी के वे देर सुप्रेमेसी इन दिस वे और इसी तरह से वे अपना पावर को इस्टेब्लिश किए अपने पावर को शो किए द रोल ऑफ ब्राह्मस एंड भार्ट्स ब्राह्मीस हेल्प पावरफुल फैमिलीज एस्टैब्लिस्ड रॉयल डिनेस्टी एंड गाइडेड द न्यू किंग्स इन द गवर्निंग दियर किंगडम्स ब्राह्मी जो थे वे पावरफुल फैमिली को शक्तिशाली फैमिली को अपना डिनेस्टी एस्टैब्लिस्ड करने में सहायता करते थे और उनको गाइड करते थे कि किस तरह से उनको अपना साम्राज्य को गवर्न करना है साम्राज्य को चलाना है इन दोज डेज द ब्राह्मीन वर नोन फॉर दियर विजडम लर्निंग नॉलेज ऑफ रिलेशंस और उन दिनों ब्राह्मणस को उनके जानकारी के धर्म से रिलेटेड जानकारी और ज्ञान और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे कि दे वर ऑल्सो रिस्पेक्टेड फॉर दियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ गवर्नेंस एंड एस्टेट क्राफ्ट और उनको वह साम्राज्य को गवर्न करने के समझदारी के लिए भी रिस्पेक्ट किया जाता था दैट इज़ वाई किंग्स इन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया इन्वाइटेड ब्राह्मण जिसके कारण कि ये नॉर्थ और साउथ इंडिया के लोग ब्राह्मण को इनवाइट किया करते थे आमंत्रित किया करते थे हु लिव्ड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा एंड यमुना रिवर्स जो की गंगा और यमुना रिवर्स के किनारे रहा करते थे टू सेटल इन देयर किंगडम वे अपने किंगडम में रहते थे इन रिटर्न बदले में द किंग्स वुड डोनेट इंटायर विलेजेस और द रिवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम सेवरल विलेज टू देश ब्राह्मण और उसके बदले में जो राजा होते थे वे ब्राह्मण को वे डोनेशन दिया करते थे विलेज विलेज के विलेज के विलेज डोनेट कर देते थे और उन विलेजेस में जो रिवेन्यू कलेक्ट किया जाता था वो ब्राह्मण के द्वारा कलेक्ट किया जाता था दे केप्ट ए रिकॉर्ड ऑफ दिस डोनेशन बाय इंस्क्राइबिंग दियर ऑर्डर ऑन द कॉपर प्लेट और इस तरह के जो जानकारियाँ थी इसका रिकॉर्ड कॉपर प्लेट पर लिख कर किया जाता था उन्हीं में से ये एक कॉपर प्लेट है जिस पर के कुछ लिखा हुआ है जो हम लोग समझ नहीं पाते हैं देयर वॉज अनदर रीजन वाई किंग्स मेड सच जेनरस डोनेशन टू द ब्राह्मण्स और दूसरा कारण भी है जिससे कि राजा जो थे ब्राह्मण्स को डोनेशन दिया करते थे और वह दूसरा कारण क्या था टू एस्टेब्लिश दियर सुप्रेमेसी इन सोसाइटी सोसाइटी में सुप्रेमेसी को स्थापित करने के लिए द किंग वुड गेट द प्रिपेयर्ड ए एलिनेज फॉर किंग शोइंग दैट दे वर डिसेंडेड फ्रॉम द सन मून एंड सम ग्रेट रिस राजा उनको कहते थे कि राजा के लिए वंशावली प्रिपेयर करें तैयार करें जो यह सो करें कि वे जो हैं सन मून और महान ऋषिज के वे वंशावली हैं दे वुड ऑल्सो आस्क देम टू परफॉर्म या अस्वमिक एंड अदर टाइप्स ऑफ यजनाज टू शो हाउ पावरफुल वर वे उनको ये भी बोलते यानी कि जो ब्राह्मण होते वे राजा को कहते कि आप राजस्व अश्वमेघ यज्ञ करें जैसे कि आपका पावर जो है और अधिक तो बच्चों आप टीवी वगैरह में देखे होंगे कि अश्वमेघ कैसे किया जाता है उसमें क्या होता है कि जो राजा होते हैं वे घोड़ा छोड़ देते हैं और उनका घोड़ा चारों तरफ जाता है जहाँ जहाँ उनका घोड़ा जाता है वह वह जो एरिया होता है वो राजा का हो जाता है और जो लोग घोड़े को पकड़ लेते हैं वो कहते हैं कि आगे हम नहीं जाने देंगे वहाँ पर युद्ध होता है तो वही होता है अश्वमेघ जना ए कॉपर प्लेट वॉच फाउंड इन छत्तीसगढ़ शोइंग द डोनेशन मेड बाय द कल्चुरी किंग रतन देव तृतीय छत्तीसगढ़ में एक कॉपर प्लेट पाया गया जिसमें यह दिखाया गया है कि कल्चुरी वंश के रतन देव तृतीय ने ब्राह्मीण को डोनेशन दिए हैं उसके बारे में वर्णन है द व्स ऑल्सो प्लेट एंड इम्पॉर्टेंट रोल इन एस्टेब्लिशिंग द रॉयल लिनेच भाट भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते थे शाही वंशावली को एस्टब्लिश करने में स्थापित करने में द व ट्रेडिशन प्रिवल्ड इन द इंटायर नॉर्थ इंडिया रीजन ड्यूरिंग दिस टाइम में और उस समय के उत्तर भारत में पूरे उत्तर भारत में भाट परंपरा जो था बहुत प्रबल था दे वर कोट पोएट songs इन द लोकल लैंग्वेज प्रेजिंग द किंग्स एंड हिज एस्टर और लोकल लैंग्वेज में जो पोएट होते थे वे राजा और उनके एंसेस्टर के बारे में सॉन्ग गाया करते थे और उनका प्रशंसा किया करते थे दिस सॉन्ग वुड इंस्टिल्ड ए फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट एंड प्राइड फॉर द किंग अमोंग द पीपल और यह जो सॉन्ग होता था वह लोगों के मन में राजा के प्रति गर्व और रिस्पेक्ट का अनुभव को उनके मन में बैठाता था इन छत्तीसगढ़ दिस ट्रेडिशन कैन बी सीन इन फॉर्म ऑफ द चरण पोएट और छत्तीसगढ़ में इस तरह के परंपरा को वे पोएट चरण में देखा जा सकता है वन सच पोएट वॉज दालराम राव और इस तरह के एक पोएट, पोएट दालराम राव थे जो हु इन द कोर्ट ऑफ राजा लक्ष्मी निधि ऑफ खैरागढ़ खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि के कोर्ट में रहा करते थे कौन रहा करते थे दालराम राव ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू यूज़ द नेम छत्तीसगढ़ इन वन ऑफ हिज पोएम्स ऑफ प्रेस टू द किंग ये पहला व्यक्ति थे जिन्होंने अपने पोएम में छत्तीसगढ़ नाम का यूज़ किए और उन्होंने वहाँ के राजा का प्रशंसा किया मोनार्क्स एंड फ्यूडल किंग्स अब हम लोग इसको अगले वीडियो में जानेंगे